मेरा और रोशनी का तलाक कभी हुआ ही नहीं था। हम तब भी शादीशुदा थे और आज भी हैं। और ये बात तुम्हारी मां अच्छी तरह जानती थी। उसके बाद भी उन्होंने ये बात सबसे छुपाना ठीक समझा और मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता। वो जानती थी कि इस सच के सबके सामने आ जाने से उनके दोनों बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। तुम्हारी मां वही कर रही थी नील, तो शायद उनकी पोजीशन में कोई और मां करती। वो गलत नहीं है। देखो नील, मैंने रोशनी से हमेशा बहुत प्यार किया है, हमेशा करता था और मरते दम तक करता रहूंगा। अगर मैंने कदम पीछे लिए थे तो ये सोच के कि उसकी एक नई जिंदगी है, तुम उसके पति हो। लेकिन नील, कानूनन भी अब तुम्हारी शादी इनवैलिड है। उन्होंने आज तक ये नाटक क्यों किया? अलग अलग लोगों से क्यों शादी निभाते रहे? और सिर्फ तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी तो शादी मेरी बहन से हुई है। आन्या से तुम्हारी शादी हुई यार? अगर यहां कोई सबसे बड़ा नाटक है तो यही है नील। वो नाटक जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं। तुम्हारी बहन मेरी पत्नी नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई थी कभी। आनिया किसी और से प्यार करती है, हमेशा से करती आई है। जान देने चली थी अपनी, मैं मिला उसको। हिम्मत नहीं थी उस बेचारी में आप सबको फेस करने की। वो प्रेग्नेंट थी किसी और के बच्चे के साथ। मैं उसके इस नाजायज बच्चे को अपना नाम देना चाहता था, इसलिए उसके साथ था मैं। मैं और आनिया पति पत्नी नहीं है, मैं और रोशनी पति पत्नी है। खतरनाक खेल। हाँ, एक नहला फेंक रहा है तो दूसरा दहला। सच, सच के ऊपर बड़ा सच और उसके ऊपर महासच। काश नैना जी, काश मुझे पता होता कि आप लोगों की जिंदगी अंदर से इतनी सड़ चुकी है तो आप लोगों को बर्बाद करने के लिए मैं इतनी मेहनत ही ना करती। मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, आप इस परिवार को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, इनका बिजनेस आप मुझसे छीनकर इन्हें वापस करना चाहते थे। इन्हें कंपनी की नहीं, इन्हें चुल्लू भर पानी की जरूरत है। सच ओ बेटी। You're right, Payal Walia. It is a pity. It is a pity. क्योंकि चुल्लू भर पानी में कौन डूबने वाला है तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मेरी एक और बात ध्यान से सुन लो। इस परिवार का ऋण है मुझ पर, और इस परिवार की बर्बादी की चाह रखने वाले को मैं बर्बाद कर दूंगा। नील, शोना, रुक जाओ। शोना, नील, रोशनी, रुक जाओ। शोना, रुक जाओ। शोना, माउंट,
खुद ही उठो। नील, चलो मेरे साथ। कहा चलो। नील, चलो। हम कहां जा रहे थे? भेज दो उनको। नील, बाहर निकलो। What the hell is wrong with you, नील? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तू इस तरह अपनी जान जोखिम में डालता है? Are you crazy? मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ, माफ कर दो मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझे। मैं अब तक झूठे लोगों पर भरोसा करता रहा। तुमने तो यार हमेशा सब कुछ मेरे लिए किया और मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें अपना दुश्मन समझा। बहुत बड़ी गलती हो गई यार। पहले तुमने आनिया की जिंदगी बचाई, मेरी इज्जत, मेरा घर परिवार, मेरा बिजनेस, सब कुछ बचाया तुमने। तुम हमेशा मुझे बचाने की कोशिश करते रहे। प्लीज मुझे माफ कर दो। नील, नील, स्टॉप इट। ये करके, ये बातें करके तुम मुझे बहुत छोटा महसूस करा रहे हो। हमें एक दूसरे का दोस्त बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे दिल में, मेरे जहन में तुम्हारी बहुत इज्जत है। तुम मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हो। नील, जब मैं अपनी रोशनी के पास नहीं था ना, तो तुम उसके साथ थे। उसका दोस्त बन के, उसका परिवार बन के उसके साथ खड़े रहे, उसके पास रहे। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी भी लगा दूं, तो मैं तुम्हारा ये ऋण नहीं चुका सकता। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो अपने बचपन में, मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो, तो मैं हाथ जोड़ करके तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज शर्मिंदा मत करो मुझे, प्लीज। भूल जाते हैं ये सारी पुरानी बातें, भूल जाते हैं। जो बीत गई वो बात गई, आगे देखते हैं। मैं और रोशनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे अपने प्यार पे पहले भी भरोसा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। एक किस्मत से, बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा नाता, ऐसा जीवन साथी। यही नाता मैंने तुम्हारे और रिया के बीच देखा। एक बार मेरे कहने, अपने रिश्ते को दूसरा मौका देके देखो, अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देके देखो। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी जिंदगी एक बार फिर से खूबसूरत हो जाएगी। हेलो, व्हाट? चलो चलो, जाते नहीं, चलो जल्दी करिए प्लीज। मान मोदी की यहाँ पे को डॉक्टर साहब, प्लीज चलिए, कुछ कीजिए। देखिए आप लोग यहीं रुकिए।
डॉक्टर साहब कैसी है वो? देखिए पेशेंट की हालत अभी ठीक नहीं है, ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो चुका है और ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि ये काफी डेंजरस है। कैसी कंडीशन? आप उनके मैं पति हूँ उसका। कैसी कंडीशन? देखिए योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। बट आई एम सॉरी, ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो चुका है, ऐसे में माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। एक्सक्यूज मी, अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कुछ बुरा होने वाला। तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, वादा करता हूं। मरते दम तक साथ रहेंगे हम तीनों। सिड, डॉक्टर ने क्या कहा? सिड, हे भगवान, पता नहीं ये सब क्या हो गया। नील,
घर में कुछ गुंडे घुस आए थे, रोशनी को खूब मारा, हाँ, और मैं कबर्ड में घुस गई, इसलिए बच गई, हैं? पता नहीं अब क्या होगा। ये गलत बात है। ये सारी दुनिया तूने बनाई है, हम सबको तूने बनाया। भगवान भगवान कहते हैं लोग तुझको, लोग कहते हैं तेरी मर्जी की बनाई पत्ता भी नहीं हिलता। वहाँ ऊपर वाला, तू वहाँ ऊपर से बैठकर यहाँ पूरी दुनिया का तमाशा देखता रहता है, कठपुतली का खेल खेलता है हमारे साथ, कठपुतली का, जैसे नचाना चाहता है वैसे नचाता है, जो खिलाना चाहता है खिलाता है, हमें दुख देता है, तकलीफें देता है, हमें मुश्किलें देता है, हम जिनसे प्यार करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मजे के लिए उनको हमसे छीन लेता है। करता है तू ऐसा अक्सर करता है, क्यों? इम्तिहान है, इसलिए क्योंकि भगवान इम्तिहान लेता है। अरे कितने इम्तिहान दूं मैं, कितने? ये तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं कि एक बार नहीं, हजार बार, हजार इम्तिहान दिए मैंने और हर बार अव्वल आया हूं तेरे इम्तिहानों में मैं। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तेरी हर परीक्षा के सामने घुटने टेक के हार मान जाता, लेकिन मैं नहीं, मैं आज भी तेरी आंखों के सामने सीना तान के तेरी आंखों में आंखें डाले तुझसे बात कर रहा हूं। जानता है ये क्या है? ये कर्म का गुरूर है। तूने मुझसे मेरी सासू मां छीन ली, तूने मुझसे मेरी रोशनी छीन ली, तूने जब चाहा मुझे खून के आंसू रुलाया, रुलाया कि नहीं? मैं आया तेरे पर शिकायत करने के लिए, नहीं आया मैं। आज तक जो तीन शब्द मैंने कभी नहीं बोले तेरे सामने, वो आज बोलता हूं मैं क्यों, मैं क्यों? अरे मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो तू मुझे जीते देखना चाहता है। अपनी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा मैंने दूसरों के नाम कर दिया, उनकी खुशी के लिए जीता रहा कि नहीं? लेकिन मेरी खुशी इस लड़की में है और मैं तुझे रोशनी को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। मुझे मेरी रोशनी चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और तू देगा मुझे। और अगर तुझे लगता है ना कि तेरे दिए हुए इस इम्तिहान के सामने सिद्धार्थ खुराना घुटने टेक देगा तो गलत लगता है तुझे। मैं हर बार जीता हूं और आज भी जीत के जाऊंगा। अगर तू भगवान है, जिद्दी है, तो मैं भी सिद्धार्थ हूं जो अपने जीवन के अर्थ को सिद्ध किए बिना हार नहीं मानता। सिद्धार्थ, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, रोशनी ठीक है।
तब तक ये बकवास कपड़े पहने रखोगे। स्टाइल तुम्हें सूट नहीं करता। कांग्रेचुलेशंस पापा। कांग्रेचुलेशंस मम्मा।